संत बाबा अतर सिंह खालसा कॉलेज संदौड़ विखे बीते 3 दिनों तो अंतर कॉलेज कबड्डी चैंपियनशिप चल रही थी। उस अंतिम दिन हुए मुकाबले दौरान अकाल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मास्टर वर्ण साहब की टीम ने गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आनंदपुर साहब की टीम को हरा के ये चैंपियनशिप लगातार 13वीं बार अपने नाम की। सत श्रीकाल दोस्तों, अस अज पहुंचे हाँ संत बाबा बहादुर सिंह खालसा कॉलेज संदौड़ विखे जिथे कि पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला द्वारा इंटर कॉलेज नैशनल कबड्डी पुरश मुकाबलों की लीग जी चल रही है। तो अज विचकारला दिन है तो साढ़े नाल मौजूद ने MLA मलेरकोट ला डॉक्टर जमीलू रहमान जी, जिहड़े कि खुद भी खेडों के खासी दिलचस्पी रखते हैं। असं उन्होंने गलबात करते हैं। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सारे मुकाबले हो रहे हैं ना, खेडों के मुकाबले हो रहे हैं, ये संबंध में थोड़ा? हाँ जी, बहुत वधिया गल है जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब ने मुड़ पंजाब दे विच खेडां वतन पंजाब दियां दे नां दे तहत शुरुआत करा के पंजाब दे नौजवानों नूं मुड़ खेडां वालों तोरिया है। अज असी देख रहे हैं कि समुचे पंजाब दे ग्राउंडां विच फिर रौनकां लगियां होईयां नूं और एक बहुत बड़ा मान साहब का उपराला है कि साडे नौजवानों नूं मुड़ खेडां च अगे वध के पंजाब दा नाम इंटरनेशनल पैमाने ते वर्ल्ड लैवल ते ओलंपियन लैवल ते रोशन करन वास्ते उन्हें तैयार करन दा मौका दिता है। इस नाल एक रलदा मिलदा सवाल है जी, जिवें नशे है ना जी, नशियां दे नाल अजकल देख रहे आपां डेली कोई नौजवान की डेथ हो रही है जी जी, कि तुसीं समझदे हो भी नशे दा जिहड़ा बहाव है ना इहनूं रोकण लई किवें की आपां नूं होर की करना चाहिए, की करना चाहिए? सरकारी लैवल ते जो कुछ हो रहा है अपने पद्धर ते लोका पद्धर ते पिछलियां सरकारां दीआं माड़ियां नीतियां करके पंजाब दी जवानी जिहड़ी है उह नशियां च पै गई और नशियां नूं उहनां सरकारां ने उत्साहित कीता और जिहदे करके वड्डे पद्धर ते पंजाब दे नौजवान नशियां दा शिकार होके अपनियां जानां तों हाथ धो बैठे और पंजाब दे पेंडू खेतरां च शहरां च भी घर घर मातम पिया होया है और ये एक बहुत बड़ी कोशिश है खेडां वतन पंजाब दियां शुरू करके नौजवानों नूं नशियां तो मुक्त करके नशियां तो मोड़ के उन्हां नूं अपने शरीरां नूं अपने जिस्मां नूं सांभण लई मौके प्रदान किए न और खेडां नूं उत्साहित किया है। इहदे लई सानूं जिथे खेडां इस गल्ल च बहुत सहायक होणगियां उस दे नाल नाल सानूं स्कूलां ते कॉलेजां विच विद्यार्थियों नूं नशियां दी जो नशियां दे जो माड़े प्रभाव हन, नशियां दे जो नुकसानात हन, उन्हां बारे जागरूक कराउणा चाहीदा है ताकि साडे जिहड़े नौजवान हन उह नशियां तों बच सकन और खेडां वल मतलब अपना पूरा रुझान करके खेडां दे मैदान दे विच नाम ना खट्टण, पंजाब दा नाम रोशन करन। थैंक यू जी, धन्यवाद। ओके,
साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर सुगुप्ता जिहड़े PSC पंजग्राहियां दे मेडिकल अफसर ने, असीं उन्हां नाल गल करदे हां। मैम सति श्री अकाल जी। हाँ जी, आप इतने मेडिकल टीम की तौर पर सारी इतने आए हुए हैं खेड मेले के सारे एमरजेंसी सेवावान जिन्हों भी जरूरत पैंती हैगी है, जिमें किसी के सट लगी है या कोई भी बुखार की प्रॉब्लम ना आता या कुछ भी होर प्रॉब्लम हो जाती है, वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी हले तक कोई इदा की एमरजेंसी तो पई नहीं हैगी कि आपको बहुत दूर कितने रैफर करना पाया हो, सारा बिल्कुल सही चल रहा है। मुकाबले बकायदा फर्स्ट एड एक सेंटर भी स्थापित किया गया। असीं गलबात करदे उन्हां गुलजार जी साडे नाल ने। गुलजार जी, जिहड़ा ये फर्स्ट एड का सेंटर तुसीं स्थापित किया है ना, ये विच तुसीं की सहूलत मुहैया करवा रहे हो? ये जी, जे किसी खिडारी दे कोई सट फेट लग जाती है जां किसी खिडारी नूं बुखार वगैरह कोई होर इंजरी हुंदी हैगी तां करके असीं जिहड़ा हैगा इत्थे PSC फतेहगढ़ पंजग्राहियां वल्लों ते सब सेंटर संदौड़ दे वल्लों जिहड़ा हैगा हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर संदौड़ वल्लों असीं अपनी मैडिकल टीम लगाई हुई है जिहदे विच डॉक्टर सुगुप्ता, गुरराज कमल कौर CHO, रणदीप कौर CHO, मैं गुलजार खान बतौर MPS मेल, सज्जन सिंह जी ड्राइवर, जिहड़े साढ़े एंबूलेंस नाल लैके आए हुए हैं। जे किसी खिडारी दे ज़्यादा कोई सट बज जाए, मेरे को रैफर करना पै जाए जां किसी होर हस्पताल दे विच रैफर करना पै जाए तो असीं जिहड़ा एमरजेंसी सेवावां तुरंत जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं मिल जाण, इस लई साडी मैडिकल टीम है जिहड़ी इत्थे बैठी है। हाँ जी, इस NPSC पंजग्राहियां वल्लों जिहड़ी टीम है प्रोवाइड की हुई है जिसे सब हेल्थ सेंटर संदौड़ तो भी नाल मुलाजम नाल ने। साढ़े नाल इतों की विजेता टीम है जी मस्तोना साहब तो उन्होंने कोच सोहनदीप सिंह जी ने तुहानूं जी पहला तो मुबारक जी टूरनामेंट जीतन दे ते तुसीं की कहना चाहुंदे? कोई बहुत करवाया जी सनौर कॉलेज असं जो खालसा कॉलेज संत बाबा बहादुर सिंह जी के नाँ से आ, बहुत ही अच्छा बच्चों का रहन का सीगा, ग्राउंड बहुत सोहने ने ते बहुत सारे ऑफिशियल जिहड़े बहुत वधिया टूरनामेंट कंडक्ट कराने के सारे का बिच ही मैनेजमेंट का बिच ही प्रिंसीपल साहब बिच ही सारा इन्हों का स्टाफ बहुत बड़ा योगदान सी, बिना किसी रौले तो बहुत ही बिना किसी पारशैलिटी तो यह टूरनामेंट नेपरे चढ़ गया। तो अज असी इतों लगातार 13 साल हो गए सानू बाबा जी की कृपा नाल, अज असी 13वें साल गोल्ड मैडल प्राप्त करके जा रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਨੈੱਟਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਦਾ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀ 70% ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ +2 ਕਰੋ, IELTS ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਖੋ ਖੋ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਮ ਮਾਈਨਰ ਗੇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ।